समुद्र तट पर पाई गई अजीब चीजें स्नोबॉल्स साइबेरियन बीच में एक रेयर नेचुरल फिनोमेना की वजह से ऐसा देखा गया था। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से स्नो ऐसे बॉल शेप का हो गया था। जायंट आईबॉल फ्लोरिडा बीच में ये मिस्टीरियस आईबॉल मिला था। टर्की में मौजूद अजमीर शहर के एक बीच में ये दो सर वाला डॉल्फिन मिला था। यूके में मौजूद एक बीच में ये बहुत ही स्ट्रेंज एक ट्री लॉग पाया गया था जो कि एक तरह के सी क्रिएचर से पूरी तरह से कवर्ड था। साल 2008 में न्यूयॉर्क के एक बीच में ये बिजार सा क्रिएचर मिला था, तो वही सबको हैरान करते हुए साल 2010 में कनाडा के एक लेक से ये मॉन्स्टर मिला था जिसका पूरा शरीर ही फर से ढका हुआ था सिवाय इसके सर और हाथ को छोड़ के। ये एक ऐसा सी क्रिएचर है जिसका कलर ऑरेंज है और आंखें भी काफी बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से ये एक कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखता है। ये जो ह्यूज सा क्रिएचर आपको दिख रहा है ये यूके में पाया गया था। बाद में पता चला कि ये दरअसल एक सी ड्रैगन है। घबराइए मत, ये पोजेस्ड नहीं है, दरअसल ये मंकी का ही एक प्रजाति है जो कि लिटरली ऐसे ही दिखते हैं। साल 2018 में दो डाइवर्स को न्यूजीलैंड के पानी में 26 फुट लंबा वॉर्म दिखा। ये दरअसल हॉलो वॉर्म है जो कि डीप ओशन में ही पाया जाता है। एक स्पेनिश लेडी को एक यूनिक सा क्रिएचर मिला जिसका दो सर है और तीन आंख, इनफैक्ट जिसका स्किन भी एक स्नेक की तरह है। इसे लेकर काफी चर्चा के बाद फाइनली पता चला कि ये दरअसल एक कैटरपिलर है। साल 2019 में एंटार्क्टिका के साइंटिस्ट ने बर्फ के 3500 मीटर नीचे इस बिजार क्रिएचर को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। एक दिन सुबह इंडोनेशिया के सी शोर में सबको ये ह्यूज सा क्रिएचर दिखा। बाद में रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये दरअसल एक व्हेल है। अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में ये 36 फीट का व्हेल मिला था। ये अब तक मिस्ट्री है कि आखिर ये व्हेल वहाँ पे कैसे पहुँचा। क्या आप जानते हैं कि आपको कभी भी ऐसे बड़े से किसी डेड क्रिएचर के आसपास नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर के गैस की वजह से ये फूल जाता है और ये कभी भी ऐसे एक्सप्लोड हो सकता है।